कि जो भी रेज आती थी, जैसे यहाँ पे मान लीजिए इकोनॉमिक्स में था, तो रे यहाँ जैन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस के बारे में कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो आप चश्मे लगाते हैं उसमें लेंसेज का इस्तेमाल करें, जिसकी आंखें थोड़ी कमजोर हो जाती हैं, तो डॉक्टर को क्या बोलते हैं, चश्मा लगाने के। तो चश्मा मेनली लेंसेज से मिलकर बना होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे चश्मे के जो लेंस होते हैं उसके इमेज फॉर्मेशन कहता है। अभी हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा कि मिरर से कैसे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से कैसे इमेजेस फॉर्मेशन होते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, आप इसको क्लिक करके जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लेंसेज का इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि लेंसेज मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, फिर होता है कॉनकेव लेंस। अगर ऐसा दिखे, ऐसा ऐसा और ऐसा दिखे तो आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, अगर ऐसा ऐसा दिखे, ऐसे ऐसे दिखे तो हो जाएगा आपका कॉनकेव लेंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में क्या डिफरेंस होता है। अब हम चलते हैं इसको इमेज फॉर्मेशन के बारे में, बट आगे बढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेंगे ताकि हमको आगे समझने में और आसानी है, तो चलिए उसको देखते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट स्टर्व कॉन्वेक्स लेंस के बारे में या कॉन्केव लेंस में भी वही टर्म इस्तेमाल किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं आपका कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं। देखिए ये आपका आधा हो गया, ये आपका और ये आधा हो गया, क्या हो गया, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। तो अब देखिए इसको बीच से एक लाइन डिवाइड करते, क्या होती है, एक लाइन इसको बीच से ऐसे क्या करती है, डिवाइड करते हैं। इसका नाम हमने दे दिया पी। इस पी वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, अपर्चर। क्या बोलते हैं, इस पी वाले पॉइंट को जो इस कॉन्वेक्स लेंस को दो पार्ट में डिवाइड करे, एक इमेजिनरी लाइन है तो क्या करे, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इसको क्या बोलता है, कॉन्वेक्स। जैसे मान लीजिए ये अगर मार्कर है तो मैं क्या करूं, ऐसे लेंस बना और इसके बीच में क्या कर रहा, देखिए ये डिवाइड कर रहा है, तो ये हो गया आपका अपर्चर। अब देखिए क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में हमने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो देखिए एक सेंटर से लाइन पास होती है, सॉरी सेंटर से थोड़ा नहीं गया, इसको फिर से बनाते हैं। एक लाइन आपका क्या हुआ, सेंटर से पास हुई, इसको क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ कर्वेचर, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, इसको क्या बोलता है, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। तो देखिए जैसे मिरर में क्या होता था, एक फोकस होता था, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है, लेकिन लेंस में ऐसा नहीं होता है। जो फोकस का नाम क्या गया, यहाँ फोकस है और इसका इस साइड भी सेम होता है, ये इसकी दूरी नापा जाता है, यानी कि इसको अगर फोकस को आप नापते हैं तो आपको यहां से नहीं मेजर करना, क्या यहां से मेजर नहीं करना है, इसके इस पॉइंट पॉइंट ओ से आपको मेजर करना है इसकी डिस्टेंस। जो डिस्टेंस ये होगा सेम डिस्टेंस ये भी होगा, यानी कि ये जो डिस्टेंस इतना है वो भी इतना ही डिस्टेंस होगा। ये होगा हो गया आपका एफ वन और इस साइड भी आपका हो जाएगा एफ डॉट वन। उसके बाद जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं मिरर में, इसमें क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह छोड़ के टू एफ होता है, या इधर बोले टू एफ, क्या बोले टू एफ। तो देखिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहां टू एफ हो गया, यानी कि सेम डिस्टेंस होता है, ये भी इतना डिस्टेंस सेम होगा, ये भी इसका डिस्टेंस सेम होगा और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको ध्यान दीजिए कि जो भी रेज आती थी, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस था, तो रे यहाँ पे आती, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो रे यहाँ से आती थी और यहीं से टकरा के चली जाती थी, लेकिन लेंस में ऐसा नहीं होता है, रे कभी भी इस पे नहीं टकराएंगे। क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इधर से कोई इन्फिनाइट से रे आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहीं से टकरा के इधर चले जाएगा, ये रे टकराएगी यहाँ इस प्रिंसिपल एक्सिस पे, जो ये अपर्चर बना हुआ है ये अपर्चर, इस पे आके टकराएगी, उसके बाद वो इस डायरेक्शन यानी कि आगे नहीं जाएगी। लेंस मिरर में क्या होता था, अंदर कोई मीडियम नहीं होता था तो वो बाउंस बैक होती थी, अगर मान लीजिए इधर कोई ये मिरर है तो इधर का ये आके इस पे टकराती थी और इस पे होके अलग डायरेक्शन में अपने क्रिटिकल एंगल्स पे घूम जाती थी, यानी कि अपने इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन रे में आपका बीत जाता था, यानी कि वहां से निकल जाती थी। लेकिन लेंसेस में ऐसा नहीं होता, लेंसेस में वो मीडियम बदलती है, यानी कि यहाँ से आती है और इधर में जाके आपका कॉन्वेक्स लेंस में इधर जाती है। तो ये आपने सीख लिया कि कॉन्वेक्स लेंस में एक अपर्चर होता है, उसके बाद एक एफ वन पॉइंट होता है, फोकल एफ वन होता है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसको एफ टू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इधर डॉट एफ वन इसका डॉट एफ टू इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं अपना इमेज फॉर्मेशन। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अगर आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज से नहीं जुड़े हुए हैं तो वीडियो का उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो हमारे फेसबुक पेज और इंस्टा अकाउंट से जुड़ सकते हैं। ये सारी चीजें हम वहाँ भी आपको देते हैं, आपको नोट्स बनाने में और अच्छा होगा। तो चलिए हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं कि कैसे कैसे इमेजेस बनेगी, कहाँ से ऑब्जेक्ट होगा, इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, अगर आपने इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर पढ़ा होगा कि मिरर पे कैसे इमेजेस बनती हैं, तो आपको लेंस समझने में आसानी होगी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा। सेम वही फिनोमेना है, लेकिन इसका मीडियम यानी कि स्थान बदल जाता है। मिरर्स में क्या होता था, टकरा के रे एक ही डायरेक्शन में रहती थी, लेकिन इसमें क्या होगा, एक अपर्चर से क्रॉस होते हुए दूसरे साइड होती जाएंगे। क्या होगा, मिरर में एक ही साइड रह जाती थी, यानी कि अगर मान लीजिए कोई रे है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो रे आके टकराती थी और इधर होके चली जाती थी, यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में होते थे, यानी कि एक ही मीडियम में होते थे, यानी कि इधर ही होते थे। लेकिन लेंसेज में क्या होता है कि वो इधर भी होते हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होता है, यानी कि इमेज पीसेस बनती हैं। जितने भी चश्मे लगाए जाते हैं अपने रेटिना के बारे में पढ़ा होगा, अगर जिसकी आंखें खराब होती हैं, या तो रेट ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो रेटिना के पहले बन जाता था, चाहे रेटिना के बाद में, यानी कि रेटिना के पीछे बनता है। अगर ऐसे केसेस होते हैं तो आंख को कमी मान जाती है, यानी कि उसमें पावर्स की कमी है, उसके लिए डॉक्टर चश्मे का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि चश्मा प्रेफर करते हैं आप लगाइए। तो ठीक वैसे ही इमेज का है, आपकी समझ लीजिए आंख इधर खड़ी है और इधर कहीं आंख है, सामने आपकी चश्मा लगा हुआ है, तो क्या या तो पीछे आएगी या तो आगे बनेगी। तो इसके बारे में हम देखते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर यानी कि बहुत दूर है, चाहे ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो जाहिर सी बात तो उसका क्या बनेगा, उसका इमेज का होता है फोकस पे आके बनता है, यानी कि कोई चीज अगर बहुत दूर होती है उसका इमेज फोकस पे आके बनता है। तो देखिए हम बनाते हैं, देखिए कोई है, ये देखिए रेस क्या हो रही है, आ रही है, रेस क्या हो रही है, आ रही है, रेस क्या हो रही है, आ रही है, ये क्या है इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट से किरणें आ रही है, क्या हो रही है इनफाइनाइट से किरणें आ रही है, और जाहिर सी बात है वो यहाँ ना टकरा के वो अपर्चर पे टकरा के फोकस भी जाएंगे, अपर्चर पे टकरा के फोकस भी जाएंगे, अपर्चर पे टकरा के फोकस भी जाएंगे, अपर्चर पे टकरा के फोकस जाएंगे, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है और उसके बीच में कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा हमेशा उसके फोकस पे बनेगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट का इमेज हमेशा उसके फोकस पे बनेगा। अब हम देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट 2F यानी कि F2 बोले या सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर हो, तब इमेज का फॉर्मेशन होगा। अगर चाहें आप उसको नोट करना तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए सेकेंड केस, इस केस में क्या लिया, ऑब्जेक्ट क्या है इनफाइनाइट पे, अनंत पे, जो ऑब्जेक्ट है जो वस्तु है वो अनंत पे है। अब हम देखते हैं वो सेंटर यानी कि F2 के बाहर है, ऑब्जेक्ट कहीं इधर रखा हुआ है, क्या है ऑब्जेक्ट कहीं इधर रखा हुआ है। तो अब देखिए क्या होगा, एक रे ऐसे निकलेगी, ऐसे रे निकलेगी और अपर्चर पे यहाँ पे टकराएगी और क्या होगा वो फोकस होके गुजर जाएगी। क्या होगा, मुझे फोकस यहाँ पे है, फोकस होके गुजर गई और जो दूसरी रे यानी कि दूसरी जो किरण होती है वो हमेशा इसके पॉइंट ओ से होकर गुजरती है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट के इस टॉप वाली पोजिशन से ऐसी एक रे निकलेगी, ऐसे होगी और आके यहाँ मिलेगी, यानी कि देखिए ऑब्जेक्ट कहीं इमेज कहीं यहाँ बन रहा है। देखिए कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो 2F के बाहर हो, कॉन्वेक्स लेंस में 2F के बाहर हो, उसका जो इमेज फॉर्मेशन है वो बिटवीन F1 और F2 यानी कि अनदर डायरेक्शन में, यानी कि लेंस के दूसरी डायरेक्शन में, ये हो गई आपकी इधर की डायरेक्शन, ये आपकी हो गई दूसरी डायरेक्शन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर F2 के बाहर है तो उसका इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, F1 और F2 डैश के बीच में होगा और वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो इससे छोटा ही बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा। तो आप अगर आप जान जाएंगे कि कैसे रेस कैसे नहीं, मेन क्या होता है इमेज फॉर्मेशन में कि रे कहाँ से निकलेंगे, भूल जाते हैं कि किरणें कहाँ से निकलेंगी। तो एक तो आपको यहाँ पे जाएगा अपर्चर से टकरा के फोकस पे निकल जाएगा, दूसरा उस ऑब्जेक्ट के टॉप से अपर्चर के सेंटर से होके गुजरेगा और जो रे जहाँ दोनों आपस में टकराएंगी वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो हमने दो देख लिया, अब हम अपने अगले को देखते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो केसेस हमने देख लिया, एक इनफाइनाइट पे हो, एक F2 के बगल में हो। अब हम देखते हैं अगर ऑब्जेक्ट F2 पे ही खड़ा है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर बोले या इसका F2 बोले, यानी कि इस पे खड़ा है, अगर ऑब्जेक्ट इस पे खड़ा है तो देखिए क्या होगा। तो सबसे पहली रे क्या होगी, एक रे ऐसी निकलेगी, अपर्चर टकराएगी और वो फोकस होके गुजर जाएगी। दूसरे केस में क्या होगा, इसके टॉप से एक रे निकलेगी ऐसे ओ होते हुए यहाँ पे टकराएगी। अब देखिए इमेज का फॉर्मेशन कुछ इधर हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन देखिए कुछ इधर हो रहा है, क्या हो रहा है इधर, हम बताऊंगा आपको कैसे हो रहा है। इधर इमेज का फॉर्मेशन कुछ इधर हो रहा है,
देखिए ये जो डिस्टेंस है वो मेजर किया जाता है, यानी कि ये दोनों यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इस पॉइंट ओ से, एफ वन का डिस्टेंस इस पॉइंट ओ से एफ वन डैश का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, लेकिन हम रफली बना रहे तो इमेज का थोड़ा दूर चला जा रहा है। तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एफ वन पे हो तो उसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा हमेशा वो एफ टू डैश पे ही होता है, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मिरर में क्या था, कोई अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है उसका इमेज कहाँ बन जाता, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाता, सेम साइज का बन जाता। तो लेंस में भी कुछ ऐसा ही होता है, एफ टू पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो एफ टू डैश पे ही ऑब्जेक्ट बने, यानी कि एफ वन यानी कि क्या बनेगा, एफ टू पे ही उसका ऑब्जेक्ट बने, इमेज बनेगा सेम साइज का होगा लेकिन उल्टा होगा, क्या होगा, इधर की इधर सीधा खड़ा है, चल क्या है सीधा खड़ा है और इधर आके उल्टा खड़ा हो जाएगा। तो आप याद रखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एफ टू पे है तो उसका इमेज फॉर्मेशन एफ टू पे ही होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, और वो उल्टा होगा सेम साइज का होगा। अब हम देखते हैं अपने अगले इमेज फॉर्मेशन के बारे में। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एफ टू पे हमने देख लिया, एक बार इनफाइनाइट पे देखा, उसके बाद एफ टू पे देखा, एफ टू के बाहर भी देखा। अब देखते हैं अगर एफ टू के अंदर आने की और हम अंदर जाते हैं, लेंस के नजदीक जाते हैं तो इमेज का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इमेज कितना बड़ा बनेगा। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट एफ वन और एफ टू के बीच में है, कहीं ऐसे खड़ा है, तो ये ऑब्जेक्ट तान के ऐसे खड़ा है, क्या इधर खड़ा है, देखिए क्या होगा, एक रे निकलेगी और इससे फोकस होके गुजर जाएगी, इधर फोकस होके गुजर जाएगी, उसके बाद क्या होगा, एक यहां से रे निकलेगी सीधे और ऐसे करते करते ऐसे करते 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 आपका कहां जाएगी, यहां पे जाएगी। तो इमेज क्या बनेगा, यहां पे फॉर्मेशन होगा और जो एफ टू बनेगा वो कहीं ऐसे होगा। अब देखिए ऐसी गलती कहां हो रही है, गलती क्यों हो रही है, तो देखिए हम एक रफली बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, रफली बना रहे हैं। तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एफ टू और एफ वन के बीच में होता है तो उसका जो इमेज बनता है वो इससे बड़ा बनता है और एफ टू डैश के बाहर बनता है, क्या होता है, एफ टू डैश के बाहर बनता है। तो देखिए अगर अंदर आएगा तो ये बाहर निकलेगा, जैसे ही वो अंदर आना चाहेगा इमेज बाहर भागना चाहेगा। तो देखिए इन दो केसेस हो गए, अब हम अपने लास्ट दो और केसेस को देखिए, लास्ट के दो और स्ट्रक्चर हमने यहाँ पढ़ा, ऑब्जेक्ट इसके बाद यहाँ रखा, अब ऑब्जेक्ट को हम एफ वन पे रखते हैं यानी कि फोकस पे रखते हैं। देखिए क्या होगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखते हैं तो जैसे मिरर में होता था ठीक उल्टा है, इसका इमेज क्या बनेगा, हमेशा इसका इमेज हमेशा इनफाइनाइट पे जाएगा, क्या होगा, इनफाइनाइट पे जाएगा, इसका इमेज हमेशा क्या बनेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एफ वन पे है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एफ वन पे है तो इसका इमेज क्या बनेगा, इनफाइनाइट मिलेगा, अगर कोई इनफाइनाइट पे है तो एफ वन पे बनेगा। उसके बाद देखिए लास्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगा तो दो केसेस होंगे, एक ऐसी रे निकलेगी एफ वन से पार हो जाएगी, इसके बाद कोई एक ऐसा रे होगा जो ऐसे निकल जाएगा। देखिए ये दो रे आपस में कभी मिल ही नहीं सकती, एक दो पैरेलल लाइन आपस में कभी मिलती नहीं है। तो इस केसेस में होता क्या है, इसको हम मान लेते हैं, इसको थोड़ा आगे ले जाएंगे और इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे तो देखेंगे इसका इमेज यही बनेगा, यानी कि उल्टा बनेगा। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एफ वन के और नजदीक है, यानी कि एफ वन और पॉइंट पी यानी कि अपर्चर के नजदीक है, उसका इमेज उधर ना बन के उसी डायरेक्शन में बनता। आप याद रखिए कि एग्जाम में आपसे पूछता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कॉन्वेक्स लेंस है और एफ वन और अपर्चर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज फॉर्मेशन किस डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा या अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस केसेस में इमेज का फॉर्मेशन सेम डायरेक्शन होगा और अपवर्ड ही होगा, यानी कि इनवर्टेड नहीं होगा, सेम स्पीड का, लेकिन उसकी साइज थोड़ी बनी हुई है, क्या होगा, वो मैग्नीफाई हुआ रहेगा, यानी कि उसकी जो मैग्निफिकेशन पावर बहुत ज्यादा होगी, वो मैग्नीफाई यानी कि बड़ा दिखेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये पूरा टॉपिक। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टा अकाउंट से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहां जुड़ सकते हैं और इन सभी का नोट्स आपको मिल सकता है। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे नहीं जुड़े हुए हैं तो आप वहां भी जुड़ सकते हैं। तब तक लिए बने रहिए, अपना ख्याल रखिए और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।